आप हजरात में से जो भी सवाल करना चाहता है खड़े होकर शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। ऐसे खड़े होकर कोई सवाल नहीं करेगा, माइक ले जाना पड़ेगा, सवाल नहीं करेगा कोई, ये लिख कर देना पड़ेगा ना। आप जिस भाई को भी सवाल करना हो बड़ा मेहरबानी वो आगे आगे आके सवाल किया करें। माइक पहुंचा दीजिए, माइक 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 दे दीजिए, नहीं यहाँ पर और ले बेहतरीन बात थी कि तबलीग अपने घर से शुरू होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात थी। हम आप ये सवाल चाहते हैं कि अपने जवानों को मालूम हो जाए कि बात लोग ये कहते हैं कि तबलीग तो सिर्फ गैरों में काफिरों में होती है, लेकिन आपने तो अच्छी बात बताई कि तबलीग तो अपने घर से शुरू होनी चाहिए, ये असल तबलीग है। इसका बता दिया गया तबलीग का असल जो लुगवी माना होता है पहुंचाना, पहुंचाना। अब पहले तो एक ही चीज़ थी कि सिर्फ उन्हीं लोगों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबे कराम को काम करना था, वो कुफ़ार ही थे इंसान, तो आप उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। अब हमारे दरमियान मामला ऐसा हो गया है कि मुसलमानों को मालूम ही नहीं कि इस्लाम किसको कहते हैं। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत, बहुत बड़ी, बहुत भारी अक्सरियत, उसको ये मालूम ही नहीं कि इस्लाम किसे कहते हैं। बिल्कुल वो फार उसके इक्वल हो गए हैं, लिहाजा उन तक बात पहुंचाई जाए, एक तरीके की तबलीग है। आमतौर पर फ़र्क किया जाता है कि अपने दरमियान इस्लाम हो गैरों के दरमियान तबलीग हो, ये एक लफ्जी चक्कर है, इसमें ना उलझा जाए, बल्कि बात को पहुंचा देना है, बात को पहुंचा देना है, इस तरह पहुंचा देना है। यहाँ को फकीर के पास पहुंचाने की बात नहीं है, यहाँ वो तबलीग का इस्तेलाही माना मुराद नहीं, बल्कि यहाँ तबलीग का लुगवी माना मुराद है कि पहुंचा देना, पहुंचा देना, किसी के पास कोई चीज़ पहुंचा देना। मसलन मैं हदीस आप तक पहुँचा रहा हूँ तो ये आपके पास पहुँच रही है, मैं अपनी हदीस शेख के पास पहुँचा रहा हूँ, ये मुझसे ज़्यादा फकीर है। तो यह कहा गया फरूक बहा मिले फकीम इलामन में अफ कौन, इसका मतलब है कि जो ज़्यादा फकीह हैं जो मुसलमान हैं उन तक भी अगर कोई चीज़ पहुंचाई जाए तो ये लुगवी माने में तबलीग है, वो तबलीग का इस्तेलाही माना टर्मिनोलॉजिकल माना नहीं है, इसमें मतलब है कि तबलीग का लफ्जी माना जो है वो पहुँचाना है, यानी गैरों तक पहुँचाना वो इस्तेलाही माना, जी जी, यानी अपने लोगों तक पहुँचाना वो लुगवी माना, यानी बात पहुंचानी चाहिए, बात पहुंचानी चाहिए। काफिर और मुशरिक यहाँ पर कोई सवाल नहीं, कोई सवाल, अगर इस तरह से अगर कोई सवाल करता है कि नहीं तबलीग काफिर और मुशरिक में करनी चाहिए तो गलत बात, नहीं नहीं वो गलत है, वो गलत, ऐसा कुछ फर्क नहीं करना चाहिए दोनों में से, इंदर मुस्लिम अकुल मुस्लिम, ये बात थी आपने सवाल पड़े जी। तो यहाँ पर इंतजार फैलाया जा रहा है कि अभी बहुत सदियों से चला आ रहा है, मतलब उसका तो मैं बात नहीं चलना चाहता कि कहते हैं कि नहीं बात तो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं जी, कि नहीं नहीं ये तो काफिर हैं मुशरिक हैं, या एक बात होती है कि तकलीफ करते हैं, कि तकलीफ करने की वजह से किसी ने मुझे कहा कि नहीं हम लोग नहीं पढ़ते आपके पीछे, मतलब क्यों नहीं, वो तकलीफ करने वाले ऐसा है हमारे कहते हैं कि शेख कहते हैं कि वो काफिर और मुशरिक हैं, उन्होंने कहा था समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया, पर इसकी थोड़ा हल्का मुख्तसर खुलासा हो जाए तो आपने तो एक बर्निंग जो एस्पेक्ट होता है सुलगता हुआ मसला पूछ लिया है। देखिए इस्लाम में इतनी शिद्दत नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी आदमी को ये कह दें कि तू काफिर है या इसी तरीके से तू मुशरिक है, ऐसा तो कहना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, सही। इसके बड़े सारे जवाबित हैं, किसी को काफिर कहने के लिए कम से कम 9 जवाब देना होता है, वो मेरी तकरीर का मौजू नहीं है। तो तकफीर का मामला जो होता है उसके लिए अलग से एक लेक्चर होना चाहिए। भाई ने अच्छा सवाल किया है लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसका मैं जवाब दूँ। आमतौर पर यह कहा जाता है कि भाई तू काफिर है, तू मुशरिक है, अव्वलन तो ये बात कही ही ना जाए, अगर वो बज़ाहिर नमाज पढ़ रहा है रोज़े रख रहा है तो उसे आप काफिर और मुशरिक नहीं कह सकते। जहाँ तक मसला नमाज की अदायगी का है तो नमाज की अदायगी और दीगर चीज़ों के बारे में मेरा नुक्ता नज़र ये है कुरान हदीस की रोशनी में
कि आप कुल्ली तौर पर कोई बात मत कहें, जुज़वी तौर पर कोई बात मत कहें, जुज़वी ना लाएं, आप कुल्ली तौर पर ये कहें कि जिस आदमी का अकीदा अल्लाह उसके रसूल और सहाबे किराम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है, या जिसका अमल अल्लाह और उसके रसूल और सहाबे किराम के तरीके के मुताबिक नहीं है, आप उनके पीछे नमाज ना अदा करें। एक कुल्ली तौर पर ऐसा कहा जाए, जुज़वी तौर पर कि ये तकलीद कर रहा है इसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए, ये फला मसलक से मुत्तसिफ जो मुत्तसिफ है उसके पीछे चल रहा है उसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए, तो मैं ये कहता हूं कि जो है कुल्ली तौर पर कहा जाए, जुज़वी तौर पर ना कहा जाए, जुज़वी तौर पर ना कहा जाए, कुल्ली तौर पर कहा जाए। कुल्ली तौर पर इस तरह कहा जाए कि भाई जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल और सहाबे किराम के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसका अकीदा नहीं है, उसका अमल नहीं है, उसके पीछे नमाज न पढ़ी जाए। अब आप चेक कर लें, अब आप चेक कर लो, आपका काम है, आपका काम है कि जिस आदमी के बारे में आपने उंगली उठाई है कि इस आदमी के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, क्या उसका अकीदा अल्लाह और उसके रसूल और सहाबे किराम के बताए हुए अकीदे के मुताबिक है या नहीं है, उसका अमल उसके मुताबिक है। आप ये देखें, तो मैं कुल्ली तौर पर बोलूंगा, मैं जुज़ी तौर पर नहीं करूंगा, ये तकलीफ कर रहा है इस वजह से इसके पीछे नमाज जायज नहीं है, फला है फला फला, ये चीज आप देखें, मैं कुल्ली तौर पर कह रही हूं। और मैं एक हदीस की रोशनी में ऐसा कह रहा हूं, कैसे? अब लोग सवाल करते हैं, रफ़ुल यदैन ना किया जाए तो नमाज हो जाएगी, जोर से आमीन ना कहा जाए तो नमाज हो जाएगी, नमाज नहीं होगी वगैरह, सीने पर हाथ ना बांध करके कहीं कोई और जगह हाथ बांध ले तो क्या नमाज नहीं होगी? भाई इस तरीके के सवाल आते हैं, तो मैं वहां भी यही कहता हूं कि वही जवाब आप दीजिए जो मशहूर सहाबी हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने दिया। कुल्ली तौर पर क्या आज वो हदीस पढ़ देता हूं, वान हुज़ैफ़ा انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت واحسبه قال لو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في كتاب الاذان امام البخاري رحمه الله عليه كتاب الاذان کے اندر یہ روایت ہے حضرت حذیفہ سے حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے غور سے سنیے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ گڑبڑی کیا کر رہا ہے کہ رکوع برابر نہیں کر رہا سجدے برابر نہیں کر رہا جلدی سے رکوع کر لے رہا ہے جلدی سے سجدے کر لے رہا ہے यानी रुकू बराबर नहीं करता। देखिए रुकू का एक तरीका है, सजदे का एक तरीका है, अगर आदमी रुकू नबी के तरीके के मुताबिक नहीं कर रहा तो रुकू नहीं होगा, अगर आदमी सजदे में वो तरीका इख्तियार न करे जो नबी ने बताया, जैसे सात आजा के ऊपर जैसे कहा कि कुत्ते की तरह मत बैठिए, कुत्ता बैठता है, अगर इस तरीके से आप बैठ रहे हैं तो सजदा ने नबी का बताया हुआ है सजदा नहीं होगा। रुकू इस तरह करे आदमी कि सर उसका पीठ के मुकाबले हो जाए, कि कि अगर उसके पीठ के ऊपर पानी डाला जाए तो पानी रुक जाए, इस तरीके से उसकी पीठ उसके सर के मुकाबले सीधी होनी चाहिए। तो ये आदमी रुकू और सजदे बराबर नहीं कर रहा था, जब ये नमाज खत्म कर चुका तो हजरत हुज़ैफ़ा ने उसे बुलाया और कहा कि क्या कर रहे थे, बोले नमाज पढ़ रहा था, बोले मासूम नहीं तुमने नमाज नहीं पढ़ी, और आपने फरमाया लो मुत्तबुत्तारा सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू अगर इस तरह नमाज पढ़ता हुआ मर गया तो तेरी नमाज सुन्नत रसूल के मुताबिक, तेरी मौत सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं हो। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि कुल्ली बात कही, कुल्ली कि जैसे तू नमाज पढ़ रहा है ना, अगर इस तरह पढ़ते हुए तुम मर गया तो सुन्नत रसूल के ऊपर तेरी मौत नहीं होगी। तो कुल्ली तौर पर आप देखिए एक हदीस अगर साबित है ठीक है, अगर साबित नहीं है वो हदीस तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हदीस साबित हो जाए सही सनद के साथ कि ये सचमुच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो एहतमाम ये किया जाए कि भाई अगर ये आदमी ऐसा नहीं कर रहा है तो एतराज कीजिए मत पड़िए उसके पीछे, इसलिए सुन्नत को छोड़ रहा है। तो मैं कुल्ली तौर पर कहने का आदमी, कुल्ली तौर, कुल्ली समझते ना जुज़ी नहीं, कुल्ली, अगर आदमी का अकीदा फला आदमी का अकीदा ऐसा है जो अल्लाह ने नहीं बताया, जो रसूल ने नहीं बताया, जो सहाबे किराम का तरीका नहीं था, तो उसके पीछे आप नमाज मत पढ़िए, इसलिए क्या तो ऐसे नहीं, उसका उसका अमल सही नहीं मुताबिक नहीं, इसलिए कि ईमान वही मोहतम जो सहाबे किराम ने बताया, ईमान वही मोहतम जो अल्लाह ने बताया, ईमान वही मोहतम जो रसूल ने बताया। आप चेक कीजिए पहले, अगर चेक करने पर वो पूरा उतर रहा है तो आप मत पढ़िए, लेकिन अगर चेक करने पर पूरा उतर रहा है तो आप पीछे पढ़िए। मैं कुल्ली तौर पर कहने का, मैं जुज़वी तौर पर कोई बात नहीं करूंगा। जी शेख एक सवाल है,
की तकरीर में एक बात सामने आई कि औरत को फोर्स करना, इसका माना क्या होता है? औरत को फोर्स करना, अब ये फोर्स के कई माने होते हैं। अब वो फोर्स से मतलब नौजवान लोग कुछ और लेते हैं, बूढ़े कुछ और लेंगे, तो ये फोर्स से क्या मतलब है? जी इस भाई का भी सवाल हो वो खड़े होकर सवाल कर ले। नहीं नहीं खड़ा खड़े फोर्स करने का मतलब क्या लिया जाए? बहरहाल उनके साथ जुल्म ज्यादति न की जाए, किसी भी तरीके की कोई जुल्म ज्यादति न की जाए। अगर फोर्स का ये मतलब है कि जबरन उससे कोई काम कराया जा रहा है, जबरन कोई काम जिससे उसकी तबीयत एबा कर रही है उस वक्त, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। शेख मोहतरम एक सवाल है, जब हमारे फोन में बैलेंस नहीं होता तब हम कंपनी से लोन लेते हैं, तो क्या इस्लाम की नज़र में जायज़ है? क्योंकि सूद लेना और देना दोनों ही है। ये क्या शक्ल होती है, शक्ल बताएं, शक्ल क्या होती है? ज्यादा पैसे नहीं लौटाना पड़ता है, हाँ? होता है क्या? लेकिन जितना दे रहे हैं आप उतना कभी कभी मिलता है, उतना ही मिलता है, तो आप उसको छोड़ करके वो जो पूरा मिल रहा है जितना आप दे रहे हैं उसकी तरफ आ जाइए। ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। फरमाया कि किसी को बेवजह जलील करना, इसी तरह किसी का माल छीन लेना, किसी को बेवजह सताना, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? जी इस सिलसिले में मैं आपको हदीस सुना देता हूँ। वहाँ नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اتدرون ما المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وزرب هذا فيؤتى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقزم عليه فأخذ خطاياه فتريت عليه ثم تريها في النار رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب إمام مسلم رحمه الله اس حدیث کو کتاب البر کے اندر لائے رضی اللہ عنہ رہے ہیں آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ مفلس کس کو بولتے ہیں مفلس مس پاؤپر غریب آدمی قلاش آدمی तो साहब इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम गरीब आदमी उसको बोलते हैं जिसके पास रुपया पैसा ना हो। आपने फरमाया मैं दुनिया के गरीब की बात नहीं कर रहा, मैं आखिरत के गरीब की बात कर रहा हूँ। कहा कि अल्लाह के रसूल आप बताएं, अल्लाह रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया कि हमारी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन आएगा नमाज लेकर के सलात व सियाम रोज़े लेकर व ज़कात लेकर। देखिए नमाज हो गई है उसकी, इसी तरीके से ज़कात भी अदा हो गई है और इसी तरीके से रोजे भी रख लिए उसने, सारे अहकाम पर अमल करता रहा, लेकिन वो याति कद शतम हादा आएगा इस हाल में कि उसने किसी को गाली दी होगी, वो कदफा हादा किसी के ऊपर इल्जाम लगाया होगा, और इसी तरह वो सफा का दमा हादा किसी का खून बहाया होगा, वो अकला माला हादा किसी का माल खा लिया होगा, वो जराबा हादा किसी को मारा होगा, तो अब दोनों को खड़ा कर दिया जाएगा। जालिम की नेकियां लेकर मजलूम को दे दी जाएंगी, अगर मामला बराबर सराबर होगा तो ठीक है, वरना मजलूम की बुराइयां मजलूम के गुनाह लेकर के जालिम को ऊपर डाल दिया जाएगा और उसको उठाकर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फतुरिया फिरना, अब वो कब निकलेगा कैसे क्या होगा वो अल्लाह जानता है, लेकिन अगर मुसलमान ने ऐसा किया है तो भी जहन्नम के अंदर जाएगा, अगरचे वो नमाज पढ़ता है, अगरचे वो रोजे रखता है, अगरचे वो ज़कात देता है, अगरचे वो हज करता है। बहुत खतरनाक हदीस है, बहुत जबरदस्त, कान खड़े करने रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। देखिए एक आदमी नमाज के साथ गया है, रोजों के साथ गया है, ज़कात के साथ गया है, लेकिन वयाती कद शतम आया है वो किसी गाली दे करके नमाज रोजे के साथ, अब दोनों को खड़ा कर दिया जाएगा। अब दोनों एक दूसरे को अगर माफ कर दें वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मामला होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर वो माफ नहीं किया उसने तो उसको उठाकर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। अब कब निकलेगा वो? अगर वो मोमिन है ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से एक दफा निकलेगा वो, लेकिन कब निकलेगा कैसे क्या, आदमी इसी के ऊपर भरोसा कर ले चले जाएंगे जहन्नम में, एक दिन तो निकाले जाएंगे। अरे जहन्नम को देख कर आदमी की गिग्गी बन जाएगी, जहन्नम में जाने की सोचे ना आदमी जी, तो ये सजा उसको मिलेगी, उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسر احترام حضرت کی خدمت میں ایک سوال ہے جو آپ کے بیان ماشاءاللہ بہت ہی بہترین خطاب فرمایا ہے اور
बाकायदा हजरत विदा पदा की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीली बातें जो हमारे सामने पेश फरमाई, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अलबत्ता दरमियान में चूँकि कुछ तिशनगी है, दरमियान में आपने एक चीज़ पेश की कि हर चीज़ जो नबी से साबित हो वो हुज्जत है, यकीनन। हत्ता के सहाबी भी अगर कुछ कहे तो हम तवक्कुफ़ करें, अगरचे अल्फाज कमोबेश वैसे ना हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि सहाबी भी अगर कुछ कहे तो जब तक के वो हदीस यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित नहीं है या आपने नहीं फरमाया, गोया हम एक तौर पे दलील सहाबी से मांगेंगे। तो आज के एतबार से एक आम फ़र्द अगर उसके सामने सहाबी नहीं बल्कि सहाबा का अमल हो तवादुरन, तो ऐसी सूरत में क्या हम अमल के लिए तवक्कुफ़ करेंगे कि उन सहाबा का अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ैल या तकरीर जो तरतीब है उससे साबित है या नहीं, उसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। अच्छा सवाल है हज़रत का। देखिए, एक होता है कि किसी सहाबी का कोई मखसूस अमल है, किसी सहाबी का कोई मखसूस अमल है और बहुत सारे सहाबे किराम उसके ऊपर नकीर नहीं करते, तो सहाबी का जो पर्सनल अमल होता है वो किसी ख़ास वक्त के लिए है, किसी ख़ास टाइम के लिए, किसी ख़ास मसलहत की बना पर है? अगर तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, या सहाबे किराम की बड़ी तादाद कोई मसला कोई मौक़िफ रखती है तो उसके ख़िलाफ़ करना जायज़ नहीं। सहाबी का कोई पर्सनल अमल जो किसी और सहाबी से साबित ना हो तो हम ये कहते हैं कि वो किसी ख़ास पस मंज़र में होगा, किसी ख़ास पस्पेक्टिव में होगा, तनासुब में होगा और उसे मानने में तवक्कुफ़ किया जाएगा, किसी ख़ास मसलहत की बिना पर उसे कुछ दिनों के लिए मान लिया जाएगा। मसलन एक मिसाल देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुमा की अजान एक होती थी, एक है, ये तो हदीस से साबित है, और हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी एक ही होती थी दो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी एक ही होती थी। अच्छा, मैं वो हदीस पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद ये बात समझ में आ जाएगी। वालिस साइब इब्ने यज़ीद क़ाल काना निदाउ यौम अल-जुमुअति अव्वलुहु इज़ा जलसा अल-इमामु अलल-मिंबर फी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व खिलाफत उमर फलम्मा كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث بالزوراء قال ابو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينه رواه البخاري في كتاب الجمعه حضرت امام البخاري رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الجمعه کے اندر لائے راوی حضرت صاحب ابن یزید اب دیکھیے اپ حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक ही होती थी। कब? इदा जलसल इमाम अला मिंबर, जब इमाम मिंबर के ऊपर आ जाता था तब होती थी। अच्छा, अब देखिए तमाम सहाबे करा कब के हैं ये नबी के ज़माने के, फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने के, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के। अब देखिए उसके बाद ये तीसरे खलीफा आते हैं, कौन है? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, फलम्मा काना उस्मान वो कसुर नास, लोग ज्यादा हो जा रहे हैं, आवाज पहुंच नहीं रही, जुमा जुमा फर्ज है, आवाज पहुंच नहीं रही, तो आपने तीसरी अजान जायद फरमाई। तीसरी अजान से बुरा इकामत को भी अजान बोल देते हैं, तो ये दूसरी अजान आपने जो मकाम ज़ौरा से दी गई, मकाम ज़ौरा से, बराबर। तो बहुत सारे सहाबे किराम इसको एक खास तनाजुब में रख करके कि आवाज पहुंच नहीं रही है तो इसको देख करके और इस चीज़ को खामोश रहे, लेकिन एक सहाबी ने बाकायदा इसके ऊपर तनकीद फरमाई, तनकीद की, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर वो रिवायत मौजूद है। قال ابن عمر الأذان الأول في الجمعة بدعة, ये सही सनद के साथ मौजूद है, बाकायदा इसका इकरार किया हजरत इब्न उमर ने। इब्न उमर ने कहा ये जो अजान हजरत उस्मान दिला रहे हैं ये सही नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन तमाम सहाबे किराम खामोश रहे। अच्छा, देखिए वहाँ इल्लत ये बयान की गई है, लोग ज्यादा हो गए, जैसे अब अगर
दो सफ़े हूँ और इमाम जो है नमाज पढ़ा रहा है और उसकी तकबीर दो सफ़ों तक पहुँच रही है, तो आपको मुकब्बिल की जरूरत नहीं। लेकिन अगर अचानक बत्ती चली गई और इमाम की आवाज पीछे लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो जरूरत है कि मुकब्बिल रखा जाए, बाकायदा वो तकबीर की आवाज लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये समझे कि अब रुकू हो रहा है, अब सजदा हो रहा है। तो जरूरत के वक्त ऐसा किया जा सकता है, जैसा कि हजरत उस्मान अली रजी अल्लाह तआला ने किया, और अगर उसकी जरूरत नहीं है तो ना किया जाए। इस तरह से उसको माना जाए। देखिए, तमाम सहाबे किराम ने एक खास पर्सपेक्टिव में उसको माना है, बकिया के एक सहाबी ने उसके ऊपर तनकीद भी की कि यह दुरुस्त नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी, लेकिन सहाबे किराम ने उसको एक खास वक्त तक के लिए माना कि भाई जरूरत है तो जरूरत पूरी कर ली जाए। इस पर तमाम सहाबे किराम खामोश है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि सहाबे किराम का अमल एक तरफ है, किसी सहाबी का कोई पर्सनल अमल हो तो एक खास तनाजुर में देखा जाए उसको, एक खास वक्त तक उसको देखा जाए। इसलिए तमाम सहाबे किराम का वो अमल नहीं है, बल्कि ये पर्सनल सहाबी का ही अमल है। लिहाजा अगर वो किसी खास तनाजुर में है तो उसको खास तनाजुर में रखकर किसी खास वक्त तक मारा जाए, उसको अबदी न मान लिया जाए, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून न मान लिया जाए। मैं ये समझता हूँ। बात यह है कि जिस वक्त हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान सानी शुरू फरमाई, उस अजान का जो इजाफा फरमाया, तो उस पर सहाबा ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि आपने माशाल्लाह फरमाया कि सहाबी ने एतराज़ किया, एक फर्द वाहिद ने एतराज़ किया। और उन एतराज़ का जो आपने लफ्ज़ पेश किया, जो मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है माशाल्लाह, जिसमें सिर्फ लफ्ज़ है कि बिदअत, लफ्ज़ बिदअत का जिक्र फरमाया, तो हमारे हम सब के अइमे किराम और फुकहाए किराम इसकी वजाहत ये फरमाते हैं कि एक तरफ तो एक सहाबी फ़कत, दीगर बड़े बड़े सहाबा उस वक्त अजिल्ले सहाबा मौजूद थे, तो सवाल ये है कि उनका इनकार था उस पर, और दूसरा सवाल ये है कि वो अजान सानी की जो इब्तिदा हुई इजाफी अजान की, क्या सहाबा किराम के ज़माने में उनके बाद हज़रत अली करम अल्लाह वजह आते हैं, क्या उनके ज़माने में वो अजान बंद हो चुकी। इसी तरीके से दूसरी बात कि लफ्ज़ बिदअतुन की शरह में उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि अल बिदअतुन हसनतुन, बिदअत यानी नया काम, बिदअत का मतलब नया काम, बिदअतुन हसनतुन ये भी शरह की गई कि मतलब ये है कि एक अच्छी बिदअत की इब्तिदा की, ये कौल मिलता है। तो सवाल मुख्तसर ये है कि ऐसी सूरत में अगर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत तो यही है कि अक्सर मसाजिद में और ख़ुद हमारे खित्ते कोकन में, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, खित्ते कोकन की अक्सर मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादती अजान ही होती है, तो ऐसी सूरत में बिला गुबार आप इस सिलसिले में फिर चाहे तो मसला पेश कर दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो बिदअत कहा, तो बिदअत का ये मतलब नहीं है जिसे हम बिदअत कहते हैं, एक नई चीज़ है, एक नई चीज़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ नई नहीं थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतनी वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और हज़रत उस्मान अली नमाज़ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पूरी नमाज़ पढ़ाई, जबकि ये कसर के कायल हैं और वो पूरी नमाज़ पढ़ा रहे हैं। जब नमाज़ ख़त्म कर चुके तो इनके शागिर्दों ने पूछा कि हज़रत आप तो कसर के कायल हैं और आप उनके फेल को गलत कह रहे थे कि हज़रत उस्मान गनी का ये कौल, ये जो फेल है चार पढ़ना पूरी पढ़ना ये सही नहीं है, लेकिन आपने तो उनकी इब्तिदा कर लिया है, ताकि मैं फितना और शर नहीं चाहता, फितना और शर नहीं चाहता। देखिए मौकिफ अलग है उनका, वो नहीं मान रहे, वो दलाइल की रोशनी में उसको सही समझ रहे हैं कि भाई हम हाफ ही पढ़ेंगे, हम कसर करेंगे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पीछे उन्होंने पूरी नमाज पढ़ी, पूछे जाने पर आपने बताया कि मैं शर को पसंद नहीं करता। तो इस तरीके के जो इख्तलाफात होते थे तो साहब कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम बाद लोग फितने के खौफ से उस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते, तो उसको उठाते हैं। देखिए ये मुनाजरा नहीं हो रहा है, मुनाजरा नहीं है, देखिए क्योंकि इस पर इतना बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत इख्तिलाफ है उलमा का इस सिलसिले में। अजान सानी की मिसाल तो आप ही नहीं दी, मैंने तो अजान का तस्करा भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक फ़कत सहाबी का अमल या कौल जो बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, जैसे दौरान खुतबा आपने पेश किया माशाल्लाह, तो उसकी मैं वजाहत चाहता हूँ।
मैंने दौरान खुद पर इतना ही कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर किसी से दलील का मुतालबा किया जा सकता है। आप उसको क्यों उलझा रहे हैं? उलझाने की बात नहीं है, आप छोड़िए। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराफा दलील, आपसे दलील नहीं मांगी जाएगी, लेकिन आपके अलावा सहाबी से भी दलील का मुतालबा किया जा सकता है। मैंने कोई बात ऐसी कही हुई? और मैंने उस पर दलील कि ये ताबई है बात, उसे दलील मांग रहे हैं, मैंने उस पर अपनी दलील पेश की कि सिर्फ एक शब्द, एक हस्ती ऐसी है कि जिससे दलील नहीं मांगी जाएगी, उसकी जबान से जो कुछ निकला वो दलील है, बकिया हर एक से दलील मांगी जा सकती है। आप दलील का मुतालबा कर सकते हैं, सहाबी से दलील का मुतालबा कर सकते हैं, आप दलील लगे, अब उसके ऊपर कुछ और बढ़ा करके कोई और बात करना, उसके मुतवलात है, किताबें मौजूद हैं, किताबें लिखी गई हैं, वो सारी चीजें, ये वक्त नहीं है उस पर बहस करने का। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर किसी से दीन के मसले के बारे में दलील का मुतालबा किया जा सकता है, किसी पीर से, फकीर से, इमाम से, किसी तरह सहाबी से भी दलील। और दलील में हमने क्या पेश की कि अबू अम्मार ने हजरत जाबिर से, मैंने हदीस पेश किए, मैं कीलों काल नहीं करता, मैं कीलों काल बिल्कुल नहीं करता, मैंने ये कहा कि सहाबी से भी दलील मांगी गई, अबू अम्मार दलील मांग रहे, पूछ रहे अकार तुम कहने की क्या जरूरत, दो बार पूछ रहे, कह रहे शिकार है, बोले शिकार है, खा सकता हूं, खा सकते, अब मान लेना था ना, इस बात के तनाजुर में बात को और आगे तक ले जाना, मुख्तलिफ जो शिक्के हैं उन शिक्कों को बढ़ाना, इस पर मुतवलात मौजूद है, किताबें मौजूद है, फन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर कुछ छोड़ा नहीं है। आपने ये कहा कि भाई एक सहाबी का अमल, एक सहाबी का अमल, एक साहब नहीं, एक सहाबी का अमल, और सहाबी के नाम एक तरफ हो तो उसको खास तनाजुर में देखा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ये सही नहीं, डायरेक्ट बोल देते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, अब उस पर भी हदीस पढ़ देता हूँ, वन عبد الله بن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه ان رجل من اهل الشام ايه आदमी शाम से आता है, कहता है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का घर किधर है, कहा हजरत एक सवाल पूछना, कहा कि क्या, कहा कि हज तमत्तु करना कैसा है, देखिए यस अलु अन तमत्तु बिरमत अल हज, हज तमत्तु करना कैसा है, बोले यहला, कौन बोल रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अच्छा दूसरा आदमी इतराज कर रहा है, वो जो शामी है, आपके अब्बा हजरत उमर ने तो मना किया, अब देखिए ये शामी सवाल कर रहा है कि हज तमत्तु करना कैसा है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जवाब दे रहे हैं कि यह हलाल जायज, अच्छा फिर वो पलट करके सवाल करता है कि लेकिन आपके अब्बा हजरत उमर ने तो इसको मना किया, इसे मना किया, इन्ना अबा कद नहा अना, तो पहले से रोका है, मना किया, गुस्से में आ गए, सोन देखो ये गैरत देखो, अरअयत इन नाबी नहा अनहा, मेरे बाप ने मना किया है, वो सना रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लम ने किया है, तो अमरो अभी उत्तम हो अमर रसूल अल्लाह सल्लम, अब बोल कि नबी की बात मानता है कि मेरे बाप की बात मानता है, उसने कहा मैं अपने बाप की बात नहीं मानता, मैं तो नबी की बात करूँ, बस अमर रसूल अल्लाह सल्लम, बात खत्म हो गई, मैंने ये कही थी कि भाई सहाबी जो होता है, अब देखिए बेटा और बाप दोनों लड़ रहे हैं, बेटे और बाप के दरमियान मामला आ गया, شکر جزاک اللہ و خیر، یہ تھے حضرت شیخ حافظ جلال الدین قاسم حفظہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے سامنے سوال و جواب کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے، اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر دے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اے والی الہٰ تو آپ کا سارا ہم تمام مسلمانوں پر تعدیر قائم رکھوں۔